गुस्सा आ जाए यार। अभी तो ठीक था तुम यार, चलो यार। अरे हट यार, या तो तुम लोग दोनों पिटोगे मेरे हाथ से। तो आप जैसे कि जानते हैं कि दिलीप भाई काफी दिन से मिल नहीं रहे, और मैं काफी दिन से उसे ढूंढ रहा हूँ। वाह क्या एक्टिंग! मुझे कोई वो नहीं पता चल रहा उनका कहाँ है। मैंने चंदू भैया को कॉल कर लिया है, अब देखते हैं चंदू भैया हमारी क्या हेल्प करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ। खैर तो दोस्तों ये देखो, यहाँ पर एलेक्सा सोई है। एलेक्सा हाय बोल। एलेक्सा देख देख देख, नाराज हो रही है। हाय बोल हाय बोल हाय बोल हाय बोल हाय बोल लिए। एलेक्सा नाराज है क्या? दोस्तों दिलीप भाई की गाड़ी बाहर खड़ी है। मैंने कपड़ा उपड़ा भी नहीं मार रखा, गंदी हो रही है। अभी साफ उप करूंगा, फिर सीधा आपको मोटर ब्लॉक सेटअप पे मिलूंगा। तो हेलमेट, तो गाइस हम पूरे रेडी हो चुके हैं मोटर ब्लॉक सेटअप पे। चंदू भैया को कॉल कर लेते हैं, चंदू भैया से बात करते हैं। चंदू भैया कहाँ है? उठा लो चंदू भैया। हेलो भैया। चंदू भैया कहाँ हूँ? यार चंदू भैया तुम कॉल भी नहीं उठा रहे थे उतने दिन से यार। अबे यार मैं दिलीप भाई नहीं मिल रहे, तुम कहाँ हो? मुझे मिलो यार, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। बताओ कहाँ पर हो आप? पार्क में बैठो। पार्क में बैठे हो? चलो आता हूँ मैं यार, पार्क में बैठे हो ना, मैं आ रहा हूँ। ठीक। A few minutes later. तो चलते हैं चंदू भैया के पास। चंदू भैया एक हल निकालेंगे, दिलीप भाई कैसे मिलेंगे। चंदू भैया मेरी हेल्प कर दे क्या पता। सीधा चलते चंदू भैया के पास, चंदू भैया बताएंगे क्या हाल हो कैसे ढूंढेंगे हम। शायद इधर ही किधर होंगे चंदू भैया। यार मेरे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ना दिलीप भाई मिल रहे ना कुछ। अब चंदू भैया ही बताएंगे कैसे मिलेंगे दिलीप भाई अपने, या चंदू भैया बैठे हैं यार कुछ कहे ना मुझे। चंदू भैया कैसे? यार कैसे हो यार, तुम फोन भी नहीं उठा रहे थे यार। मैं हरिद्वार गया हुआ था यार। अरे यार सॉरी यार चंदू भैया यार। मैंने अब देखेंगे किस किस के कॉल आ रहे हैं। तू क्या मजाक कर रहा है यार? मजाक नहीं होती यार चंदू भैया यार, मैं तुम मेरे साथ प्रैंक कर सकता हूँ क्या यार? मेरे को ना अब थोड़ा दिमाग खराब सा लग रहा है अभी यार। या तो तुम लोग दोनों पिटोगे मेरे हाथ से। यार चंदू भैया मैं क्या करूँ, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा यार। मतलब हम थोड़ा सा इधर उधर चले जाएं तो तुम थोड़ा सा भी नहीं संभाल सकते क्या? अरे यार मैं उन्हें घर तक छोड़ के आया था। जी की भी तो है दोती थोड़ी बहुत, घर तक छोड़ के आया था, उसके बाद कहाँ चला गया? यार चंदू भैया मुझे नहीं पता यार। कब से ढूंढ रहे तुमने? मैं दो तीन दिन से ढूंढ रहा हूँ उसे। दो तीन दिन से ढूंढ रहा हूँ, मिला ही नहीं अभी तक। मिला ही नहीं, कॉल उठा रहा है ना कोई मेरा कोई। तुम्हें पता है मेरे दोस्त भी नहीं है इतने, और कोई कॉल उठा नहीं रहा मेरा। दोगे यार? मतलब सूरज भाई तुम करना क्या चाह रहे हो ये बताओ मुझे कि हाँ, मतलब कि क्या बात है? मैं खाली के लिए, मैं तुम्हें पता है मैं तुम पे ज़्यादा गुस्सा करता नहीं यार चंदू भैया। यार वो तो बात तुम्हारी सही है। कितना अच्छा मानते हो ये भी तुम्हें बताओ, और तुम मुझसे आके ऐसी ऐसी बात कह रहे हो कि दिलीप मतलब मिल नहीं रहा है, ये हो गया वो हो गया। यार अच्छा लग रहा है यार, मैं क्या बोलूँ यार चंदू भैया, मैं कुछ कह ही नहीं सकता यार। मेरा तो वैसी हालत खराब हो रही है, वैसी अंकुश कर रहा है, गाड़ी लेके भाग जा रहा है कभी भी यार। अंकुश को तो चलो मैं देख लूंगा अभी ना, उसके दो कान पे लगाए तो फिर सीधा हो यार। उन्होंने मुझे बहुत परेशान कर दिया, भयंकर लात मार के झाड़ी में गिरा दे रहा है वो यार। अंकुश? हाँ। मतलब वो छोटा है तुम बड़े हो? अरे मैं बड़ा हूँ यार, फिर भी यार मैं उसे कुछ कहा ही नहीं। कुछ क्या कहता है यार, बोल रखा है कि हाँ तुम उसको डांटोगे वो करोगे ये करोगे। यार मैं तुम्हें पता है मेरी आदत का यार। यार क्या करूँ चंदू भैया यार, चलो यार अभी तो मेरे हिसाब से तुम उसके घर चल रहे सीधे, ढूंढते हैं उसे कहाँ पर है यार। आप तो कह रहे थे बुरा लग रहा है यार, कभी मतलब ये थोड़ी ना होता है कि दिलीप गायब हो गया, मिल नहीं रहा यार। मैं क्या करूँ यार, बाहर चले गए बाहर जाने पे तुम लोग ऐसे करने लग गए यार। अबे यार मैं क्या कर सकता हूँ यार चंदू भैया, मैं यार मैं उन्हें घर तक छोड़ के आया। तुमसे कुछ नहीं कह रहा यार ना, तो मुझे पता था कि अब तक मैं कितना कुछ बोल देता हूँ। अबे यार चंदू भैया तुम ही हो यार अच्छे दोस्त यार मेरे यार। यार चलो यार चंदू भैया चल रहे यार उन्हें ढूंढने। यार मूड खराब हो रहा है चंदू भैया, पता तुम्हें यार मैं क्या करूँ यार, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा। और पता वो चंदू भैया गाड़ी उड़ी सब उन्होंने मुझे दे रखी है यार, आंटी मुझे पहचानने से भी मना कर दे रही है। आंटी कह रही मेरे लड़के को लेके आओ, फिर देके जाना गाड़ी उड़ी जो देके जाने तुझे। अब बताओ मेरे यार क्या करूँ मैं, तुम्हें पता है मेरे घर वाले कैसे हैं। वो कह रहे हैं कि रोज रोज किसकी गाड़ी ले आ रहा है यार मांग के। यार मैंने कहा यार मांग के नहीं, दिलीप भाई की गाड़ी है, अपनी ही है गाड़ी है भी। वो दिलीप भाई मिल नहीं रहा, मैं क्या करूँ हैं। अरे बिल्कुल नहीं मिल रहे यार। अरे घुसने दिया आंटी ने, बोला तब आना यहाँ पहले दिलीप को लेके आ। और तुम्हारे पक्के दोस्त हैं वो यार, तुम्हें तो अच्छे से जानती होगी आंटी, मुझे तो जानती भी नहीं है बिल्कुल भी नहीं।
यार यहीं कहीं देख लेते हैं, सुनसान इलाका भी है, क्या पता यहाँ होंगे। यार कहीं नहीं गए यार, हम यहीं थे यार, तुम्हें क्या बताऊं यार। एक तो दिलीप भाई का मुझे समझ में नहीं आता, किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तुम्हें तो पता ही है कैसे है उनकी आदत। हाँ यार अभी कुछ किया है क्या? अरे पता नहीं क्या किया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा उनका अभी तक यार। यार उनकी आदत तो तुम्हें पता ही है, किसी को भी बोल देंगे हाँ चलो मैं करूँगा तुम्हारी हेल्प। रात के टाइम में उन्हें घर तक छोड़ के आया। हाँ हाँ ठीक ही थे यार उस टाइम पे, तो आधे रास्ते तक छोड़ा तो उन्होंने कहा मैं चले जाऊंगा यहाँ से। आधे रास्ते पे छोड़ के आए तुम? अरे मैं पूरे घर तक छोड़ा यार उन्हें, मैं ऐसे क्यों करूँगा यार। दिलीप भाई मिल नहीं रहे तो क्या ही होगा यार। यार मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, तो जरा तुम थके हुए ना, तो पता नहीं मारते उड़ते तो नहीं मुझे आप हैं चंदू भैया? यार तुम्हें भी पता है चंदू भैया, मैंने उन्हें इनके लिए सरप्राइज रखा था, मैंने कहा यार मैं ब्लॉगिंग करूँगा तुम्हारे तले, और तब मैंने उन्होंने कहा गाड़ी उड़ी तुम रख लो सुबह दे देना मुझे हैं। फिर कह रहे दोनों भाई चलेंगे MT की सर्विस भी करा देंगे, काफ़ी दिन से सही नहीं चल रही MT। हाँ फिर मैंने उन्होंने बोला था कि अब 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो यार कुछ सरप्राइज रखा है, अब देखते हैं यार अब क्या होता है। अगर मिल जाते हैं टाइम से यार दिलीप भाई तो सही होगा, और दो अरे यार सही ही होना चाहिए यार। यार 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना तो बहुत बढ़िया, उन्होंने सरप्राइज रखा है इनके लिए अपने सब्सक्राइबरों के लिए, अब सब्सक्राइब हो जाए तो बहुत बढ़िया है यार। पता है यहाँ भगा रहा था यार उधर, मुझे उस दिन यहाँ पर उनकी जैकेट मिली थी, पता है तुम्हें? हाँ यहीं पर मिली थी जैकेट। और एक तो मुझे ढंग से वो भी नहीं आ रही चलानी गाड़ी है चंदू भैया। हाँ पर वो तो दिक्कत, मेन बंदा ही मिलना चाहिए यार, पहले यहाँ देख लेते एक चक्कर। यार चंदू भैया मेरी कोई गलती नहीं है यार, तुम मानते बात को यार है। अबे यार यहाँ जैकेट मिली थी उनकी यार, वो जैकेट भी भयंकर, यहीं कहीं देख लो यहाँ होंगी क्या पता। अरे देख के गए थे यार, जैकेट ही जैकेट मिली थी उनकी खाली। यार हद हो गई यार सूरज भाई यार तुमसे भी यार, मतलब ये क्या बात हुई तुमसे यार, जैकेट मिली थी ये फिर वो देखा नहीं क्या तुमने सही से उसमें? अरे यार सही से देखा यार, मेरे साथ बंदा भी तो नहीं था सही यार। 3 दिन हो गए हैं, अगर कुछ हो गया उसके साथ तब क्या करोगे यार? क्या करेंगे उसके घर वाले को? यार मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा, पता है तुम्हें मेरे पे ये जिम्मेदारी, उनकी गाड़ी उड़ी सब मेरे पास है, लोग समझ रहे। तो तुमसे ही बोलूंगा ना यार चंदू भैया, मैं उन्हें घर साथ होता साथ में तो उसकी फैमिली भी मुझसे बोलती ना यार। मैं यार चंदू भैया तुम ही बताओ यार क्या करूं, मेरे मिला तो अब क्या करेंगे? चलो मैं मान गया, उसके घर वालों को कैसे मनाएंगे यार। तो यार उस दिन भी मेरे साथ वो बंदा ठीक नहीं था, वो पता क्या कह रहा, फोन में साइड में जाके कह रहा मार दे उसे, ये कर दे वो कर दे, पहले तुम उससे बदला लो यार तुम। किससे? वो अंकुश से यार, उसने बहुत दिमाग खराब कर रखा है यार। अंकुश है कहाँ? अभी है नहीं, कॉल भी नहीं उठा रहा उसका, मुझे समझ में नहीं आता वो करना क्या चाहता है। और आपको पता मैं कुछ बोलता नहीं उसे, मैं छोटा समझ के, वो ज्यादा ही सर में चढ़ता है हमेशा। अब पता नहीं बाइक ले, तुम यहाँ से जैकेट ढूंढ के लेके गए हो बिल्कुल। अरे सुनता ही नहीं बात यार, मैं क्या करूँ बताओ। मैं तो ये सोच रहा हूँ उसके घर वालों को क्या जवाब देंगे, आज मैं उसके अगर घर पे चले जाऊँ तो मुझसे क्या पूछेंगे? यार चंदू भैया तुम ही बताओ यार, मैं किससे बोलूँ यार आपका मदद के लिए यार, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम ही बताओ। घुसने नहीं देगी आंटी, काम ही ऐसे किए हैं यार। उन्हें कैसा लग रहा होगा, लड़का है उनका यार, जवान लड़का है वो, घर में सबसे बड़ा है और वही गायब कर रखा है। यार क्या करो चंदू भैया, मेरी बात सुनो यार, उनके घर चलें एक बार, घर चलने देखते हैं आंटी से बात करते हैं, क्या बैठ के बात करते हैं। घर में देखा यार? घर में देखा था मैंने यार पूरा यार। उन्हें घर में घुसने दिया भी? हाँ घर में घुसने दिया, दरवाजा तो खुला ही था उनका। हाँ
सब जगह देख लिया अच्छे से। हाँ यार मुझे बहुत गुस्सा आ रही है यार, कुछ चीजें है यार मेरे को समझ में नहीं आया। ये पैसे दिए उन्होंने लास्ट टाइम पे, ये पैसे दे रखे पेट्रोल भरा लेना कह रहा दलीप ने दिए। हाँ कह रहे पेट्रोल भरा लेना, गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है ऐसे बोल रहे कि पेट्रोल भरा लेना ब्लॉगिंग कर लेना। तब से मैंने जेब में ही रख रखे पैसे भी, और खुद गायब, खुद गायब हो रखे सब मेरे पे जिम्मेदारी। उन्होंने हेलमेट वेलमेट सब मेरे पास छोड़ रखा उन्होंने। अरे यार चंदू भैया मेरी कुछ गलती नहीं है यार, तुम मानते क्यों नहीं हो बात को यार? ये मानने वाली बात थोड़ी है यार, मैं तुमसे यार तुम्हें हाथ जोड़ रहा हूँ भाई यार, मेरी कुछ गलती नहीं है यार, यार मैं तुम्हारे सिवा किससे मांगू मदद ये बताओ। यार चंदू भैया यार तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो यार? क्या बात माननी है यार, मेरे को गुस्सा मत दिला सूरज, बता रहा हूँ तुझे मैं अभी। यार भाई यार मेरी बात तो सुनो यार, मेरी बात तो सुन लो यार चंदू भैया, क्या बात सुन लो, सॉरी यार मैं सॉरी कहता हूँ, क्या बात सुन लो यार मैं सॉरी कह रहा हूँ यार, मुझे पता ना गुस्सा आ जाती, मुझे बहुत तगड़ी गुस्सा आ जाती यार। अभी तो ठीक थे तुम यार चंदू भैया, अरे हट यार, अबे यार सूरज भैया, अबे यार बहुत गुस्सा आ रही है, अबे यार चंदू भैया यार उठे यार, सॉरी बोल तो रहा हूँ यार, पता ना गुस्सा आ जाती है मुझे, अब मुझे पता है यार तुम्हारे गुस्से के बारे में यार, यार माफ तो कर दो यार। अरे मेरी गलती नहीं है यार चंदू भैया यार, अरे यार मेरा ना दिमाग ऐसा हो रहा है ना कि तुम्हें क्या बताऊँ यार, कभी यार कभी ये कभी वो, चलो सबको एक जगह बैठा के इतना मारो ना किसी दिन। अब यार सॉरी बोल तो दिया यार चंदू भैया, एकदम गुस्सा मत किया करो यार, मैं उनसे भी यही समझाता हूँ। 5-6 दिन क्या बाहर चले गए यार, तुम लोग ने ऐसा कर दिया यार। अरे यार चंदू भैया यार सॉरी यार, चलो यार प्लीज चलो मेरे साथ यार, मेरी कुछ गलती नहीं है यार उस दिन यार। यार तुम्हारे पास सब कुछ है यार, तुम्हें देखना चाहिए था यार। यार कपड़े झाड़ दो यार, चलो यार चलने छोड़ो यार, हो गया यार, गुस्सा मत क्या करो चंदू भैया एकदम यार, गुस्सा करने वाली बात ही है वो। अरे यार थोड़ा तो कंट्रोल कर लो यार भाई प्लीज यार, चल यार तू मेरा दिमाग और काम मत कर यार, मतलब ऐसे करोगे यार। अरे यार तू उसे ढूंढवा दे यार, मैं तू चल यार उसे ढूंढना है बस, और गुस्सा चलो फिर चल ले यार।